हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक LG का 24 इंच का एक LED आया है, जिसका मॉडल नंबर है, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम है कि ये वन टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो पहले हम लाइन देखे आपको दिखाएंगे। कैमरा को जूम कर लेते हैं। तो ये एडाप्टर का लाइन मैंने दे दिया है, ये देखिए। एक बार लाइट ऑन होके ये बंद हो जा रहा है। मैं फिर से एडाप्टर को दे देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, एक बार ब्लिंक होकर ये बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ये मेन आईसी का प्रॉब्लम है। तो हम मेन आईसी को हीट नहीं करेंगे, ना कोई पीटीसी लगा के सेट चालू करेंगे। सिर्फ एक डायोड लेकर हम ये सेट ऑन करेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, ये कुछ दिन तक चलेगा। एक्चुअल में ये आईसी का फॉल्ट है। मेन आईसी चेंज करने से ये परमानेंटली आपका टीवी ठीक हो जाता है। तो ये डायोड लेकर हम कुछ दिन तक ये ठीक कर सकते हैं। तो ये डायोड लेकर हम देखिए दोस्तों, ये वाला रेगुलेटर जो है आप देख सकते हैं, ये वाला जो रेगुलेटर है, कैसे लगाते हैं। डायोड का जो प्लस वाली वो मिडिल पर लगा देंगे। दोस्तों डायोड को मैंने लगा दिया है, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो टीवी है वो रेडी हो चुका है। देखिए बैकलाइट भी आ गया है। अब हम टीवी का पिक्चर जो है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नो सिग्नल आ गया है। एक्चुअली इस टीवी का जो रैम है वो ख़राब है। रैम का जो 1.8 सप्लाई था वो मैंने बढ़ा दिया है, देख सकते हैं। ये 1.8 के जगह हम 2.5 दे दिया है, इसलिए ये चल रहा है। कनेक्शन को और एक बार देख लीजिए। देख सकते हैं, दोस्तों मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है आपका।
परमानेंटली सॉल्यूशन के लिए आपको मेन आईसी जो है, ये प्रोसेसर आईसी, ये चेंज करना पड़ेगा। इस तरह डायोड लगा के आप कुछ दिन चला सकते हैं। जो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखा है कि यहाँ पर जो है पीटीसी लगाता है, हीट मारता है, फिर चालू करता है, उस हिसाब से ये डायोड वाला तरीका जो है आप वो लोग अच्छा है। ये डायोड वाला तरीका एक बार अप्लाई करके भी देख सकते हैं, आपका सेट ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।